हेलो एवरीवन स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी टैंकर्स फैमिली। टुडे क्लास स्टार्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th और 10th। ठीक है बच्चे, देखते हैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। कोऑर्डिनेट मींस क्या होता है? तालमेल। कोऑर्डिनेट मतलब क्या होती है? तालमेल होती है। और ज्योमेट्री मींस क्या होती है जो देखते हैं। कोऑर्डिनेट मींस क्या होगा? कोऑर्डिनेट मींस होती है, हिंदी में बोल सकते हैं अपन, तालमेल। क्या होता है? तालमेल होनी चाहिए एक दूसरे के बीच में। ठीक है, और ज्योमेट्री मीन्स क्या होती है? जियो प्लस मेट्री। ज्योमेट्री मतलब क्या होता है? जियो मेट्री मीन्स क्या होता है इसको देख लेते हैं। जियो होता है और प्लस में मेट्री होता है। क्लियर है? जियो मीन्स क्या हो जाएगा? जियो मीन्स होता है अर्थ होता है। ठीक है, प्लस मेट्री मतलब क्या होता है? मेजरमेंट होता है। ठीक है, मेजरमेंट। अब मेजरमेंट अर्थ, अर्थ पे क्या है कि कोई भी चीज़ रखा हुआ है तो उसको नीचे है या बीच में है, लटक रहा है या ऊपर है, ठीक है ना, उसकी पता होती है। तो ज्योमेट्री क्या होती है? अर्थ प्लस मेजरमेंट, यानी कि लेंथ में है या ब्रेथ में है या वॉल्यूम में है या एरिया में है, क्या चीज़ है उसको मेजर करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज़ करते हैं। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल GPC में यूज़ कर सकते हैं, एक्सरे में यूज़ कर सकते हैं, साइंटिस्ट सब यूज़ करते हैं, उसमें भी यूज़ किया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट मीन तो क्या हो गया? तालमेल हो गया। और ज्योमेट्री मीन्स क्या हो गया? जियो मतलब अर्थ हो गया, मेट्री मतलब मेजर हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। इसका डिफिनेशन कोई पूछेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिफिनेशन क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है वो टू टाइप्स में होती है, जैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं, जैसे ये अपने पास क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो लेटा हुआ रहता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर कोई लाइन ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक गया है तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्लियर है? और ये हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ है, इसको लेकर यहाँ पर चिपका देंगे इस वाले पार्ट में, इंटरसेक्ट कर देंगे। तो ये जब इंटरसेक्ट कहलाएगा तो क्या होगा? जब ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों क्या हुआ, इंटरसेक्ट हो गया, तो इसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। क्लियर है? अब क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कभी बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? ये प्लेन पे तो है, लेटा हुआ है, प्लेन है, सरफेस प्लेन है। क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं, या अथवा कार्टेशियन सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो ये होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? एक्स एक्सिस होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? एक्स एक्सिस होती है। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्लियर है? अब देखते हैं यहाँ पर जो इंटरसेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जो इंटरसेक्ट किया, इसको बोलते हैं ओरिजन। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजन बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पर देख ले कि एक्स और वाई जो है, अगर इस दोनों को मिला ले ऐसे, तो एक प्रकार से ये क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होता है। तो जैसे अपन पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, तो यहाँ भी वही चीज़ होगा। जब अपन क्लास 9th में सिंपल बेसिक जानना होता है, क्लास 10th में 7.1 चैप्टर में क्या जानना पड़ेगा, यानी कि कुछ होती है डिस्टेंस फार्मूला होता है, कुछ होती है सेक्शन फार्मूला होता है, कुछ होता है एंगल ऑफ ट्राइंगल्स होती है, ये सब जानना होता है 10th क्लास में। क्लास 9th में सिर्फ बेसिक जानना होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे बोलते हैं, फिर उसके बाद इसकी टाइप्स होती है, ये सब जानना होता है। तो अब समझते हैं बच्चे कि एक्स एक्सिस यहाँ पर क्या होता है, कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि इसकी जो होती है एक्स और वाई होता है। एक्स वाई जो है वह क्या कहलाता है? ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं एक्स और वाई के बीच, ठीक है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर है। अब एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे? ये अपने पास एक्स जो है वह क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है। इसे हम एक्स एक्सिस को एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये क्या है? वर्टिकल लाइन है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को अपन क्या बोलेंगे? दूसरा नाम एब्सिसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एब्सिसा बोलेंगे। क्लियर है? और वाई कोऑर्डिनेट को बोलेंगे अपन ऑर्डिनेट। क्लियर है? तो ये एग्जाम में पूछते हैं। क्लियर है? इसे स्टार बना लो। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे? एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट बोलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखते हैं कि ये जो लाइन है ये पूरी है, वाई है। तो अब इसमें देखेंगे कि ये वाली जो लाइन है, ये
अब यहाँ पर देखते हैं, अब इसको समझ लेते हैं। ये अपने पास क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है। ये अपने पास क्या है, वर्टिकल लाइन है, इंटरसेक्ट किया। इसी को तो बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोई पूछे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, तो टू डायमेंशनल है। क्या क्या होगा, टू डायमेंशनल। इंटरसेक्ट किसके बीच में करता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन के बीच में। तो जो इंटरसेक्ट करे उसे ओरिजिन ओरिजिन बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नीचे जाएंगे तो ये वाई डैश होगा, ये एक्स डैश होगा। लेकिन बट है तो एक्स एक्सिस ना, ओरिजेंटल लाइन। अब जब ये इंटरसेक्ट कर दिया तो इस साइड में, यानी कि राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में क्या होगा, पॉजिटिव होगा ये जो होगा। यानी कि एक यूनिट में, एक यूनिट में कितना होता है, एक सेंटीमीटर होता है। इसको याद कर लो, ठीक है। एक यूनिट में कितना सेंटीमीटर होता है, एक सेंटीमीटर। इसके डिस्टेंस जीरो के, ये जो इस साइड में होगा वह एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। क्लियर है, एक एक सेंटीमीटर। मान लो कि वन है, टू है, थ्री है, फोर है, वन है, टू है, थ्री है, फिर ये मान लो वन है, टू है, थ्री है, फिर इसे मान लो वन है, टू है, थ्री है। अब राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे ये देख लो, ये भी पॉजिटिव होगा, ये इस साइड लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव होगा, ये सारे के सारे नेगेटिव होगा, ठीक है ना, ये पॉजिटिव होगा। क्लियर है। अब इसमें जब ये हो गया तो एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोले, एब्सिसा बोले, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोले, कोऑर्डिनेट बोले। अब क्या होगा कि मान लो कि अगर कहा कि एक्स, एग्जाम्पल ले लेते हैं कोऑर्डिनेट का, ऑर्डर पेयर मान लो टू और थ्री है, तो ये टू जो दर्शा रहा है वो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट को दर्शा रहा है, थ्री जो है वो क्या है, वाई कोऑर्डिनेट को दर्शा रहा है। क्लियर है, ये x कोऑर्डिनेट को टू और थ्री जो है y कोऑर्डिनेट को दर्शा रहा है। तो x टू है, पॉजिटिव में ही कह रहा है, तो इस यहाँ पर ये है, ये टू हो गया। अब y क्या है, थ्री कह रहा है, तो ये यहाँ पर है, तो ये वाली लाइन क्या होगा, यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर ये मीट करेंगे। क्लियर है। तो ये लाइन इस साइड और ये लाइन इस साइड, तो ये क्या हुआ कि थ्री वाली जो y एक्सिस है वो नीचे की तरफ, x एक्सिस जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। क्लियर है। तो ये होती थी x कोऑर्डिनेट को इसलिए बोले अब्सिसा, y कोऑर्डिनेट को क्या बोले, ऑर्डिनेट बोले। तो यहाँ पर ये चीज होती है, ये नाइन्थ क्लास में पढ़नी है इसी तरह, कि आपसे ऑर्डर पेयर पूछ लेगा कि टू थ्री है, माइनस टू थ्री है, तो ये सब कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखेंगे ये देखना होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, चार पार्ट होती है, चार भाग होता है। क्लियर है, चार भाग होता है। अब कौन कौन सी भाग हुआ, जैसे मान लो कि क्वाड्रेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब पूछेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या दिख रहा है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, प्लस कॉमा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछेगा क्या क्या आएंगे, तो प्लस कॉमा प्लस आएंगे। क्लियर है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में देख ले तो एक्स क्या है, पहले क्या लिखा था, एक्स और वाई लिखा था ऑर्डर पेयर में, तो एक्स क्या है, माइनस में है, तो इसे माइनस लिखेंगे। फिर वाई क्या है, प्लस है, तो इसे सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस बोलेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बोलेंगे, एक्स क्या है, माइनस है, वाई भी माइनस है, इसलिए हम इसे माइनस कॉमा माइनस बोलेंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स, यहाँ पर ध्यान दोगे एक्स क्या है बच्चे, पॉजिटिव में है, और वाई क्या है, नेगेटिव में, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्स पॉजिटिव में और वाई नेगेटिव में, तो प्लस माइनस बोलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है। अब इसी तरह और भी देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।